हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बाय ऑन डिप्स आपको करना है। आज मॉर्निंग में इसमें एक अच्छा खासा डिप दिया था, ऊपर गया 9950 तक, और उसके बाद एक फॉल में देखने को मिला। सो इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो मैंने आपको बताया था कि बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी है, उसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। अभी स्ट्रक्चर समझते हैं निफ्टी का। अभी का जो सेटअप है वो बहुत रेंज बाउंड सेटअप है। सो कल का जो एक्सपायरी है वो बहुत बोरिंग होने वाला है। ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है। तो कल मैं थोड़ा साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कौन से रेंज में एक्सपायरी होगा मैं आपको रेंज पे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर मैंने एक लाइन्स ड्रॉ किए हुए हैं। ये एरिया जो है वो रेजिस्टेंस है 10,000 के आसपास, और 9,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 9,800 से 10,000 के रेंज में, इसी रेंज में कहीं ना कहीं एक्सपायरी होगा। मे बी पॉसिबल है 9,900, 9950 या 9850। तो ये आपको रेंज ध्यान देना है। इसके बेसिस पे आप स्ट्राइडल्स, ट्रायंगल्स वगैरह ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ब्रॉडर रेंज निफ्टी का एक्सपायरी का मुझे लग रहा है ये रेंज हो सकता है 9,800 से 10,000। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड एक्सपायरी होगा, साइडवेज एक्सपायरी होगा, और बहुत बोरिंग डे होने वाला है। कम मोमेंट हमें देखने को मिलेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यू है। और नीचे में मुझे लगता है 19,800 ये सपोर्ट है और 20,600 ये रेजिस्टेंस है। सो बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी रेंज में एक्सपायरी होगा। सो आप स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल, ऑप्शन सेलिंग वगैरह ये लेवल्स के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। ये एनालिसिस था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक्सपायरी लेवल्स का। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टॉक बताया था मुथूट फाइनेंस, बाय अबाउ 980 के ऊपर मैंने आपको ये बाय दिया था। और आज आप देख सकते हो प्राइसेस 999 है और 1010 तक भी ये जाके आया। इसमें काफी एक अच्छा इंट्राडे में पैसा बना। एंड नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हैवेल्स। हैवेल्स मैंने आपको बाय दिया था 555 के ऊपर, ये भी 558 तक जाके आया, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस के आसपास क्लोज हुआ है। सो हैवेल्स में एक फ्लैट क्लोजिंग था। एंड HDFC बैंक मैंने आपको बाय दिया था 990 के अबाउ, 998 तक जाके आया ये। तो ऑलमोस्ट हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो अचीव हुआ, उसके बाद क्लोजिंग में ये नीचे आया है। तो इसमें फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद नीचे आया है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तीनों ट्रेड में ठीक ठाक अच्छा खासा पैसा बना है, मुथूट फाइनेंस में काफी अच्छा पैसा बना। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन के लिए। सबसे पहला स्टॉक होगा HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी अगर आप देखें, ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ब्रेकआउट फेलियर भी है। एक्चुअली ये ब्रेकआउट देने वाला था, ब्रेकआउट इसने दिया और वापस नीचे आया, तो ब्रेकआउट फेलियर है। और मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ। अगर आप देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है। सो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ से एक बड़ा फॉल में देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है HCL टेक्नोलॉजी, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस अगर आप देखें 500 के नीचे क्लोज हुआ है, जो कि साइकोलॉजिकल राउंड ऑफ नंबर है। और M&M फाइनेंस में भी अगर आप देखें तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और एक फॉल्स ब्रेकआउट भी दिया है। यस, और इवनिंग स्टार पैटर्न भी है। तो सेटअप पूरा का पूरा नेगेटिव है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट लग रहा है कल के सेशन के लिए, और इसको आप पोजिशनल भी शॉर्ट कर सकते हो HCL टेक्नोलॉजी को भी। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा माइंडट्री। माइंडट्री में मैं ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा सा रेंज बाउंड है स्टॉक, लेकिन इसमें ऊपर के लेवल से सप्लाई हमें देखने को मिल रही है। मुझे लगता है 15-20 रुपए का मोमेंटम हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।